करेंगे खबरों पर चर्चा। भोपाल से एक बड़ी जानकारी, जहां पर आज से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। तो दूरस्थ इलाके में चलाया जाएगा यह अभियान, ऑफलाइन सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। दूसरे चरण के लिए अगर बात करें तो देखिए 2 करोड़ सदस्य बनाने का ये टारगेट रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकीलों पर इसका सीधा फोकस रहेगा, यानी कि इन लोगों को शामिल किया जाएगा, बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर, सीए, वकीलों पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा फोकस होगा और दूसरे चरण में आपको बता दें इनको भी शामिल किया जाएगा। अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का दूसरे चरण के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अगर इससे पहले की बात कर ले, जो पहला चरण रहा, किस तरह से कितने सदस्यों ने यहां पर सदस्यता ली है और किस तरह से देखा गया, साथ ही इस वाले चरण के बारे में भी आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, बीजेपी के पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पार्टी का दावा है कि 1 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य मध्य प्रदेश के अंदर जोड़ लिए गए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने ये दावा किया है, उसमें जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। आज से दूसरे चरण का शुरू होने जा रहा है, सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जो 15 तारीख तक चलेगा और इसमें तमाम ग्रामीण अंचलों से लेकर बड़े शहरों तक ये सदस्यता अभियान किया जाएगा। देखिये, बीजेपी का फोकस तमाम वर्गों को साधने का है, जिसमें महिला, युवा, उद्योगपति और वकील, डॉक्टर्स, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग जो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी भी हैं और पार्टी के लिए भले ही सदस्यता अभी तक नहीं ली हो लेकिन पार्टी से जुड़े हुए हों, ऐसे में उन लोगों को जोड़ने का ज्यादा फोकस है। इसके अलावा देखिए, उन सीटों पे भी ज्यादा बीजेपी का फोकस कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक अभी तक जीतते आए हैं, यानी कि जहां पे बीजेपी की कमजोर कड़ी है वहां पर सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे चरण में यही होता हुआ हमें दिखाई देगा। देखिए, पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में बीजेपी प्रत्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद माना था कि जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पे कुछ ऐसी विधानसभा रही हैं जहां पर बीजेपी अपने सदस्यता अभियान में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई है और वहां पे केवल 30-25% के बीच में ही सदस्यता हो पाई है। ऐसे में दूसरे चरण में ये ज्यादा फोकस वहां पे करने के निर्देश दिए है, खासतौर पर तमाम कार्यकर्ताओं को गली गली घर घर जाने के निर्देश दिए है और जहां पर नेटवर्क की इश्यू हो, जहां पर मोबाइल टावर की इश्यू हो, वहां पर ऑफलाइन फॉर्म भराने के निर्देश बीजेपी प्रदेश की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, मकसद यही है, बीजेपी विस्तारवादी पार्टी है और जिस तरीके से सदस्यता अभियान के द्वारा हम देख रहे हैं तमाम न केवल कार्यकर्ता बड़े भी नेता और खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का मैं यहाँ पे जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी कमान यहाँ पे संभाली हुई है। हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वहां पे सदस्यता करवा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे काम करना है, दूसरे चरण में किस तरीके से काम, बिल्कुल लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें नियम और शर्तों की बात करें हैं और क्या, जैसे पूरे देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले, असर भी देखा जा रहा है, तो नियम और शर्तों को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही जो राज्य इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई खास प्लानिंग बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी ने एक सबसे बड़ा नियम और एक खास नियम रखा है कि जो भी सदस्य जुड़े वो आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, इसको लेके पूरा वेरिफिकेशन कराने की बात भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दूसरा नियम यह है कि अगर कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है, कांग्रेस का कोई नेता है तो पहले उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी। अलग अलग तरीके से लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि क्योंकि हमने देखा कि पिछले बार जब सदस्यता अभियान चला था तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को जोड़ लिया गया था जो आपराधिक पृष्ठभूमि से थे, उसके बाद से ही कांग्रेस ने कई तरीके के आरोप भी गड़े थे और मढ़े भी थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी इस बात को लेकर चल रही है, इस बात को सावधानी पूर्वक लेकर चल रही है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कोई भी व्यक्ति को पार्टी से ना जोड़ा जाए और इसी को लेकर काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। देखिये, बीजेपी का मकसद विस्तार से है और विस्तार के साथ साथ उन विधानसभा सीटों से भी है जहां पर बीजेपी काफी लंबे समय से कमजोर चल रही है, यहाँ पे परफॉर्मेंस कम नहीं रहा। 2000 विधानसभा की जब परिणाम रहे उसमें काफी कम मार्जिनों से जीती क्योंकि अगले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू की हुई। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि अतुल, देखिए न केवल चुनाव के समय बल्कि 5 साल पहले से ही उनकी प्लानिंग होती है, अलग रणनीति देखने को मिलती है जिसका असर भी हम देख पाते हैं। चलिए, बने रहिए, और भी बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक बता दें, आप तक साझा कर दें कि लगातार अभियान